एक और जैसे जब बात कर रहे थे विनय जी बता रहे थे किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक सवाल जरूर उठ रहा है कि अब जबकि ये लोग बरी हो गए हैं, उस वक्त के पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है अनुराग, और जो कि हम लोगों ने अपने इस मैगजीन में भी वो किया है, आप देख सकते हैं कि पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ स्क्रीन शॉट्स हमने इसमें लगाए थे जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसमें ये लिखा था, पुलिस ने कहा था, बाकी तमाम अलग अलग कहानियां जैसे कि मैंने आपको बताई कि जो मीडिया कहानी चला रही थी, मीडिया की कहानी थी कि आरुषि के अफेयर चल रहे थे और आरुषि के हेमराज से भी अफेयर थे और अन्य बच्चों से भी अफेयर थे, पुलिस एक अलग क्लू लेकर आई। कुल मिलाकर देखा जाए अनुराग तो उस वक्त ये चल रहा था कि मीडिया पुलिस को फीड कर रही थी और पुलिस मीडिया को फीड कर रही थी, कुछ इस तरह के खेल चल रहे थे, जिसको जो मन कर रहा था वो स्टोरी कुक कर रहा था। पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आरुषि तलवार यानी कि राजेश तलवार और अपनी माँ नुपुर तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानती थी, यानी कि दोनों माँ बाप के अलग अलग अफेयर चलते थे और उसके बारे में आरुषि को पता था और इसके लिए वो इन दोनों पर एतराज करती थी, इनसे लड़ती थी, और इस बात की चर्चा आरुषि हेमराज यानी कि उस नौकर से करती थी, उससे अपना दर्द बांटती थी, जिस दौरान दोनों नजदीक आ गए थे और डॉक्टर तलवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और इसके बाद मीडिया पुलिस का ये कहना था कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ठीक है अगर हेमराज आरुषि को उन्होंने मार दिया तो फिर हेमराज को कैसे मारा वो भी छत पर ले जाकर, तो उसने पुलिस ने ये कहा कि उसके बाद तलवार दंपति ने शराब पी जिसके लिए दो ग्लास मिले थे एविडेंस के तौर पर, और उसके बाद हेमराज को वो ऊपर लेके गए, छत पर लेकर गए विस्की पीने के बाद, और वहां जाकर उन्होंने उसका कत्ल कर दिया और वो मर गया। तलवार को अगर आप देखें, डॉक्टर राजेश तलवार को एक दुबले पतले से व्यक्ति हैं और जो उनका नौकर हेमराज था वो एक लंबा चौड़ा सा एक गठीले शरीर का आदमी था, उसको खींचकर वो छत पर ले गए और इस तरह से कर दिया उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ कुछ ऐसा ही था जब पुलिस भी इस तरह की कहानियां बना रही थी, और यहाँ तक पुलिस ने कहा कि ये ऐसा मामला है जो समाज के तमाम नियम कानून को तोड़ देगा, और इतनी हमारे पास एविडेंसेज आ गए हैं, लैपटॉप में हैं, उस बच्ची के भी लैपटॉप में हैं, कि हम बता नहीं सकते हैं ताकि लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये सब कुछ कुछ ऐसे चल रहा था जो कि एक तरह से झूठ का पुलिंदा आप कह सकते हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि आरुषि का जो अंतिम संस्कार था माँ बाप ने जाकर हरिद्वार में किया था, और यहाँ से वो गए थे उसके पोस्टमार्टम के बाद दोपहर में निकले थे और हरिद्वार पहुंचे थे। पुलिस ने ये कहा कि हरिद्वार वो गए थे उस हथियार को छुपाने के लिए, और पुलिस हरिद्वार तक गई भी थी अनुराग उस हथियार को तलाशने के लिए। आप समझ सकते हैं कि पुलिस को आप देखिए कि किस तरह से वो जाँच कर रही थी। पुलिस हथियार ढूंढने हरिद्वार गई और उनका ये कहना था कि तलवार दंपत्ति ने हथियार को जाके हरिद्वार में छुपाया। अब आप ये बताएं कि अगर कोई गाड़ी से जा रहा है, मान लीजिए कि वो कातिल भी है, और अगर वो हरिद्वार तक क्यों लेके जाएगा फिर वो हथियार अपने साथ, वो कहीं बीच में भी फेंक सकता था, लेकिन पुलिस यहाँ से हरिद्वार गई और वहां पर जाके वो हथियार ढूंढ रही थी कि ये लोग जाके वहां छुपा कर आए हैं। तो अब जबकि ये बरी हो गए हैं वो लोग, अब इसमें एक चीज जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि वो लोग जिनकी वजह से ये सफरिंग हुई है, मैं यहाँ पर मीडिया को एक मॉब के तौर पर भी कह सकती हूँ, हालांकि सब कुछ रिकॉर्डेड है, यदि कोई चाहे तो हमारे पास भी ये और तमाम और लोगों के पास भी ये पूरा एविडेंस है, अगर जिन लोगों की वजह से ये सफरिंग हुई है उस माँ बाप को, उनका जवाब कौन देगा, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा, क्या सरकारें या अदालतें इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है अनुराग, आने वाले समय में अभी आप देख रहे हैं लगातार हनीप्रीत और बाबा राम रहीम पे भी आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग एक एक मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे गॉसिप्स कैसे स्टोरी क्रिएट की जा रही है, कुक किया जा रहा है, तो ये पहला मौका नहीं है। यदि हम अगर जिम्मेदार पत्रकारिता जिम्मेदार जांच की ओर नहीं बढ़ेंगे तो तमाम आरुषियां मरती रहेंगी, उनके माँ बाप को सजा होती रहेगी अनुराग। बिल्कुल।